इन दिस लेक्चर बी विल कन्वर्ट एस आर फ्लिफलोप टू डी फ्लिपलोप एस आर को डी में कन्वर्ट करना है डी इनपुट यहाँ पर लिखेंगे दिस इज ए प्रेजेंट स्टेट दिस इज ए नेक्स्ट स्टेट दिज आर द एस आर इनपुट्स देयर आर टू इनपुट्स डी एंड क्यू एन तो बाइंड्री में टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन फोर होंगे जीरो 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 वन वन जीरो वन वन आप इस तरह से भी याद रख सकते हो अगर प्रेजेंट इनपुट्स जीरो जीरो होती हैं तो प्रेजेंट स्टेट जीरो हो सकती है या फिर वन इसी तरह से अगर प्रेजेंट इनपुट्स वन वन होती है तो उस केस में प्रेजेंट स्टेट जीरो हो सकती है या फिर वन हो सकती है ट्रुथ टेबल ऑफ डी फ्लॉप अगर डी में जीरो अप्लाई करते हैं तो नेक्स्ट स्टेट जीरो मिलेगी अगर डी में वन अप्लाई करते हैं तो नेक्स्ट स्टेट वन मिलेगी तो सिंपली इन द केस ऑफ डी फ्लॉप जो इनपुट्स में अप्लाई करते हैं वही नेक्स्ट डेट में मिलता है तो इसको फिल करते हैं डी इज जीरो मिलेगी डी इज ए जीरो मिलेगी डी इज वन नेक्स्ट डेट वन मिलेगी डी इज वन नेक्स्ट डेट वन मिलेगी प्रेजेंट प्रेजेंट स्टेट स्टेट दिस इज नेक्स्ट हमारे पास है नेक्स्ट डेट हमने डिसाइड कर लिया है तो एस आर में कौन सी प्रेजेंट इनपुट अप्लाई करेंगे इसको एक्साइटेशन टेबल से देखा जाता है दिस इज एक्साइटेशन टेबल ऑफ एस आर फ्लॉप दिस इज ए प्रेजेंट स्टेट एंड आर द इनपुट अगर प्रेजेंट स्टेट जीरो करेंगे Same, present state है, next state हमें जीरो चाहिए तो उस केस में एस आर में प्रेजेंट इनपुट जीरो करेंगे प्रेजेंट स्टेट जीरो है नेक्स्ट डेट वन है तो उस केस में एस आर में प्रेजेंट इनपुट्स वन जीरो करेंगे प्रेजेंट स्टेट है नेक्स्ट स्टेट हमें one चाहिए तो उस केस में एस आर लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉर एस एंड आर यहां पर डोंट केयर दिए हैं तो जो सिंप्लीफिकेशन होगी हम के मैप से करेंगे पहले एस के लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखेंगे देयर आर टू इनपुट्स डी एंड प्रेजेंट स्टेट तो टोटल जो के मैप बनेगा वो दो वेरिएबल का बनेगा यहां पर डी लिखेंगे यहां पर क्यू एन डी की वैल्यू जीरो हो सकती है या वन क्यू एन की वैल्यू जीरो आर द इनपुट जीरो 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 दीज आर द डेसिमल इक्विवेलेंट फॉर कॉरेस्पॉन्डिंग बाइंडरी इनपुट्स अब क्लास डेसिमल इनपुट टू के लिए हमें आउटपुट वन मिल रही है इसी तरह से फॉर डेसिमल इनपुट थ्री जो आउटपुट है वो डोंट केयर है अब ये वन डोंट केयर के साथ पेयर बनाएगा जीरो से वन एक बिट का चेंज है इसको नहीं लिखेंगे इस पेयर के लिए वन कॉन्स्टेंट है तो वन को लिखेंगे डी एस इज इक्वल टू डी सेम अब आर के लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखेंगे दिस इज डी दिस इज क्यू एन जीरो वन जीरो जो आउटपुट वन मिल रहा है वो डेसिमल इनपुट वन के लिए मिल रहा है तो इसके लिए आउटपुट वन लिखेंगे और सेम डेसिमल इनपुट जीरो के लिए जो आउटपुट मिली है डेट इज डोंट केयर सेम अब ये वन डोंट केयर के साथ पेयर बनाएगा जीरो से वन कांस्टेंट है इसको नहीं लिखेंगे ये जीरो पेयर के लिए कांस्टेंट है तो आर इज इक्वल टू जीरो के लिए डी वार लिखेंगे इन क्वेश्चन बी गिवन को हमने डी में कन्वर्ट करना था डेट इज एस आर फ्लॉप हमें दिया था दीज आर द इनपुट्स दीज आर द आउटपुट्स अब क्लास रिलेशन क्या निकला है एस इज इक्वल टू डी एस को डी के साथ कनेक्ट करेंगे आर इज इक्वल टू डी कॉम्प्लीमेंट यहां पर नॉट गेट लगाएंगे फिर इसको आर में अप्लाई करेंगे अब ये जो ओवरऑल डायग्राम है it will act as a D flip-flop.